गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें सिंघवी ने G23 नेताओं को जम्मू में शक्ति प्रदर्शन के बजाय चुनाव वाले राज्यों में कांग्रेस के अभियान में शामिल होने की नसीहत दी थी। आप ही के साथी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप 5 स्टेटों में अगर प्रचार करते तो ज्यादा अच्छा होता। उनको क्या मालूम हम नहीं जा रहे हैं। उनकी इतला के लिए जो भी कहता है 5 की 5 से हमें इनविटेशन आया है तो सर आप जाएंगे? तो बिल्कुल जाऊंगा। आइए अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने G23 नेताओं पर जो बयान दिया जिस पर गुलाम नबी आजाद ने पलटवार भी किया। ये सभी हमारे कांग्रेस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है। हम सबकी इज्जत करते हैं और जो कुछ मैं कह रहा हूं बहुत आदरपूर्वक इसलिए कह रहा हूं। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी समझती है कि जब 5 प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं जिसमें कांग्रेस संघर्ष कर रही है तो ज्यादा उपयुक्त होता अगर ये सभी नेता इन प्रांतों में अभियान करते, कांग्रेस का हाथ मजबूत करते, कांग्रेस की कहानी आगे बढ़ाते। जम्मू में एक दिन पहले ही गुलाम नबी आजाद के समर्थन में एकजुट हुए कांग्रेस के G23 नेताओं यानी कि जो नेता कांग्रेस से असंतुष्ट हैं ऐसे कांग्रेस आलाकमान को निशाने पर भी इन नेताओं ने लिया और पार्टी की मजबूती के लिए आजाद के अनुभव के इस्तेमाल की तक नसीहत दी थी। एक बार फिर हम देख रहे हैं वो हालात, भारत को कांग्रेस की जरूरत है। ये हालत इसलिए भी बने हैं कि पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है पर हमारी आवाज कांग्रेस की सेहत के लिए है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। एक बार दोबारा हर सूबे के अंदर कांग्रेस मजबूत हो, नई पीढ़ी के लोग जुड़े। हमने अच्छा वक्त देखा है कांग्रेस का। हम नहीं चाहते कि जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है हम कांग्रेस को कमजोर देखें। पर इस देश की जो राजनीतिक लड़ाई है वो जम्मू से नागपुर तक लड़ी जाएगी। हम में से कोई ऊपर से नहीं आया, खिड़की रोशनदान से नहीं आया, दरवाजे से आए हैं, चल के आए हैं, छात्र आंदोलन से आए हैं, युवक आंदोलन से आए हैं। ये अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया कि मेरे जीवन में कोई बताए कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं है। गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो हर प्रदेश के हर जिले की जमी असलियत को कांग्रेस को जानते हैं। क्या कांग्रेस की असलियत है, कहां है, सब नातों नेता लोगों के साथ इनका गहरा संबंध है। और जब हमें ऐसा लगा कि पार्लियामेंट को गुलाम नबी आजाद को आजाद कर रहे हैं तो हमें दुख हुआ। ये सच्चाई की बात है, हमें वहां बैठे बैठे बहुत दुख हुआ। हम नहीं चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब को पार्लियामेंट से आजादी मिले। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। गुलाम नबी आजाद ना तो राजनीति से रिटायर हुए हैं और ना कभी पार्लियामेंट से आजाद होंगे। ये तो इनके लिए राजनीति में एक नया अवसर दिया, अवसर आया है आगे संघर्ष का। ये संघर्ष किया जो देखो कांग्रेस में या किसी भी दल में दो किस्म के आदमी होते हैं। हमारी पार्टी में भी दो किस्म के आदमी हैं। कुछ तो कांग्रेस पार्टी में है, कुछ के अंदर कांग्रेस है, तो गुलाम नबी तो उनमें से एक है जिनके अंदर कांग्रेस है। हम सब गांधी ग्लोबल फैमिली के बुलावे पर इस ऐतिहासिक मंदिरों के शहर जम्मू में एकत्रित हुए। अगर हम कांग्रेस की बात ना करें तो गांधी की बात अधूरी रह जाती है। और उन्हीं इरादों के साथ में आज
लोग कहते हैं G23, मैं कहता हूं गांधी 23। महात्मा गांधी जिसके विश्वास के साथ में, जिसके इरादों के साथ में, जिसकी सोच के साथ में इस देश का आईन बना, संविधान बना, आज उसको लेकर चलने के लिए कांग्रेस के लोग मजबूती के साथ तैयार हैं। ये G23 कांग्रेस की मजबूती चाहती है।